अब्दुल रजीक, आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को टेंस समझाऊंगा, जो कि टेंस बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं 12 की 12 टेंस आप लोगों को समझा दूंगा, जो कि व्हाट्स टेंस। टेंस इज अ टाइम और एज, इट्स डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। सो जो कि टेंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो कि प्रेजेंट को फिर आरए को मजीद चार चार में तकसीम किया गया है, जो कि 12 बनेंगे। जो कि पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाऊंगा, जो कि मैंने हर टेंस को जो कि आप लोगों की आसानी के लिए जो कि सिर्फ चार ही स्टेप में समझाऊंगा। जो कि पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान उसकी क्या होगी। दूसरा स्टेप ये होगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, और जो कि तीसरा स्टेप उसका फार्मूला होगा, जो कि चौथा स्टेप जो कि आप लोग फार्मूले बनाएंगे, यानी सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अभी जो कि मैंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस समझाऊंगा, तो इसका जो पहचान है उर्दू में था है, ती है, ते है, था हूं वगैरह, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू एंड डज। और जो कि डू और डज किसके लिए इस्तेमाल होगा, मतलब डू, डू इज यूज फॉर प्लूरल नेम्स दे, वी, आई, ईटीसी, एंड डज इज यूज फॉर सिंगुलर नेम, ई, शी, इट। और जब हम लोग डस को जुमले में ले आएंगे, तो उसके साथ ही मतलब सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग आईएस का इजाफा करेंगे, जो कि सिंपल सेंटेंस में डू डस का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग सिंपल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि वैसे जो कि जनरल फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, जो कि चौथा स्टेप होगा, यानी स्टेप नंबर 4, वो होगा सेंटेंस, यानी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जो कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। देखो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का पहचान, अगर जुमले की लास्ट में था है आ गया, या था थी है, या ते है, था हो, मतलब था अलिफ, था, थी, थे आ गया, तो ये समझ ले कि ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है। तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल जाता है, तो इसका मतलब है ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। पुलिस स्टॉप। मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया कि जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का, तो उसका उसके साथ आई ई एस एस या एस का इजाफा करेंगे, जो कि ये मेन वर्ब के साथ, जो कि ये मेन वर्ब है गो, तो अभी इसके साथ हम लोग ई एस इजाफा कर लेंगे। अभी देखो कुछ को चलो को ये समझ नहीं आ रहा कि ई एस आई एस या एस किन चीजों के साथ लगना अच्छा था, तो इनके लिए मैं एक नया वीडियो बना लूंगा जो कि रूल्स का होगा, कि मतलब किन चीजों के साथ एस लगता है, किन के साथ ई एस और किन के साथ आई एस। सो दिस अ सिंपल सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सेकेंड ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो कि इंट्रोगेटिव लिखने में ताकि थोड़ा टाइम वो हो जाता है, लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया जुमले। तो अगर हम लोग ये इजी है बहुत, जब आप सिंपल सीख लेंगे तो इंट्रोगेटिव होने की बहुत चीजें हो जाएगी। जैसे अभी ई गोज टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो हम लोग इसका जो कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, तो जब ई आएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब ई आएगा तो इसके साथ ई एस लगेगा, और ई एस जब लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये डज में आ जाएगा, जब डज में आ जाएगा तो डज हम लोग जुमले की शुरू में लाएंगे, तो ये जगह डज डज ई गो to school, does he go to school, question mark is the most important thing। ये हो गया, मतलब एक does शुरू में लाएंगे और एक question mark interrogative sentence के लिए लाजमी है। और इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा negative sentence, what's negative sentence।
जो नेगेटिव सीन्स दे रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू स्कूल, ये हो गया सवाल या क्या मैं स्कूल जाता हूँ. अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा कि मैं स्कूल नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल नहीं जाता. तो इसका जुमला कैसे बन जाएंगे इंग्लिश में, ही जो कि एल्फिंग वर्ब के बाद डज, तो हम लोग लगाएंगे ही डज गो टू स्कूल. मैंने बताया जब ई के साथ डज लगेगा तो एल्फिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट लगाएंगे. यहाँ पे इजाफा क्या हो गया, नॉट. मतलब नेगेटिव मींस नॉट, इंट्रोगेटिव मींस क्या, डस क्वेश्चन मार्क, एंड सिंपल सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस. सो प्रेजेंट इंफिनिट कंप्लीट हो गया. इसके बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगा. कंटिन्यूअस टेंस जो कि मैंने आप लोगों का पहले भी बताया कि मैं इस चार टाइम में आप लोगों को टेंस समझाऊंगा ताकि जिंदगी भर आप लोगों को याद रहे. पहला आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप जो कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह. जो कि दूसरा स्टेप है एल्फिंग वर्ब, इज आर एम, एम इज यूज जस्ट फॉर आई, एंड आर इज यूज दे वी एंड द प्लूरल, एंड इज यूज फॉर ही शी इट एंड द सिंगुलर नेम. And the third tip is the formula. Formula is the most important. Subject plus a finger plus in a continuous tense, first form with ing plus subject plus extension of predicate. And the fourth step is a sentence. Sentence जो कि तीन किस्म के होते हैं, यानी simple sentence, interrogative and negative. देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले से लिखा है, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ यहाँ तो फिर time बहुत video लंबी हो जाती है जो कि देखने में bore लगती है. तो सिंपल सेंटेंस जो है उसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईओपी, यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, इंग्लिश में ये बनेगा आई जो कि सब्जेक्ट है, एम जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वर्क मतलब इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड आईएनजी इज आईएनजी मतलब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म इज अ वर्क एंड आईएनजी इज आईएनजी प्लस सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे नहीं, जो कि हार्ड वर्क एक दूसरा मेन वर्ब है. तो इस तरह नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव इसमें कैसा बनेगा, यानी सवालिया जुमले से कैसा बनेगा. तो मैंने पहले भी बताया कि सवालिया जुमले में ए एम यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे. तो यहाँ पे एम आई वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड जो कि मैं हर बार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क इज इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर पेपर या किसी चीज में आप भूल गए तो इसका कोई नंबर नहीं देगा. जो कि तीसरा जो कि नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नपी, नपी जुमले मीन्स नॉट यूज होगा. जैसे कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग गर्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो नेगेटिव में नॉट यूज होगा. जो कि नॉट जो कि होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. तो जुमला कैसे बन जाएगा, आई एम नॉट नॉट वर्किंग, वर्किंग गर्ड, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ. तो इसके बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाऊंगा, जो कि इसके साथ मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा ताकि उसका यूजेज भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो बोर हो जाती है. तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट, जो कि मैंने पहले दो वीडियो में एक प्रेजेंट इंफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाऊंगा. जो कि मैंने फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि जस्ट ना फर्स्ट स्टेप आप जिंदगी भर भूल नहीं सकेंगे. ये जो टेंस है जो कि चार स्टेप में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ. पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, लाजमी होता है कि आप पहचान क्या है उर्दू के जुमले के आखिर में, जब चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और दूसरा है इसका हेल्पिंग वर्ब जो कि हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे, हैव, एज, हैव यूज, दे, वी, आई, इट,
ETC के साथ हम लोग यूज करेंगे और प्लूरल नेम के साथ जो कि हैज जो कि ई शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ यूज करेंगे। जो कि तीसरा स्टेप है फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। जबकि इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे जो कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ई ऑफ ई, जो कि एक कंटिन्यूअस में यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया और उसके साथ आई एन जी, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि अगर जो कि ये इसका फार्मूला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। इंग्लिश में ये बनेगा सब्जेक्ट जो कि मैं हूँ आई, जो कि हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जो कि क्या लगेगा है वो I have, जो कि थर्ड फॉर्म फिनिश मतलब खत्म, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, F-I-N, फिनिश्ड, माई अपना माई वर्क। तो इस तरह इसका जो कि सिंपल हो गया, जो कि इस तरह इंट्रोगेटिव का भी इस तरह वो होते हैं फार्मूले, जो कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में लेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, क्योंकि इस जुमले में जो कि हेल्पिंग वर्ब ये है तो इसको शुरू में जब लाएंगे तो हैव हैव। जो कि मैंने हर बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे जो कि इंट्रोगेटिव के लिए एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे वो क्वेश्चन मार्क लाजमी है, क्वेश्चन मार्क लाजमी। उसके बाद जो कि होगा नेगेटिव, जो कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो ये किस तरह जुमला बनेगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इस टेंस में एक नई बात ये कि यहाँ पे नोट जो मैंने दिया है, नोट शायद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि इसमें सिंस और पार यूज होगा। सिंस का मतलब है शाम सुबह, मतलब कोई वक्त वक्त जो मुकर्रर हो, और पार वो वक्त जो मुकर्रर नहीं हो, यानी इसमें टाइम यूज होगा यानी पॉइंट ऑफ द टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम यूज होगा। यहाँ पे फिर चार स्टेप होंगे, हर टेंस में सिर्फ चार स्टेप ही याद रखने, आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी उर्दू में पहचान के अगर जुमले की आखिर में रहा है रही है रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो समझे कि ये कंटिन्यूअस का है, अगर वक्त उसमें आ जाए तो ये समझे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका हेल्पिंग वर्ब सेम जैसे परफेक्ट में है और हैज का, लेकिन यहाँ पे इजाफा क्या होगा कि है और हैज के साथ बीन भी लगाएंगे, बीन जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द बी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द बी, जो कि जो फार्मूला है किस चीज के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मैंने पहले भी परफेक्ट में बताया था कि दे वी आई और प्लूरल नेम के साथ जो कि ATC इस्तेमाल हैव इस्तेमाल होता है, और हैज के साथ जो कि ई शी इट हैज के साथ इस्तेमाल होता है और सिंगुलर नेम के साथ। और जो कि तीसरा स्टेप जो कि फार्मूला होता है, यहाँ पे फिर सेम उसी तरह फार्मूला है लेकिन बीन का इजाफा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें ये भी इजाफा है कि प्लस सीन या फॉर इस्तेमाल करेंगे प्लस टाइम यूज करेंगे। जो कि चौथा स्टेप ये है कि हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, नोट मैंने पहले भी बताया कि ये सीन्स मुकर्रर वक्त के लिए, जिसके सुबह से शाम से, ये फॉर यानी चार घंटे से दो साल से, मालूम नहीं कि कितने दो घंटे से और कौन से चार साल से। तो आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ,
जिसका मैंने फॉर्मूला बी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे प्लस टाइम, जिसके फॉर एग्जांपल मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो सुबह टाइम आ गया। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला दिया है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सेंटेंस को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा के हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस, क्योंकि सिंस यूज हो रहा है मॉर्निंग। अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर का एक सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं दो घंटे से काम कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स। अगर हम लोग एक फॉर का सेंटेंस ले लेते हैं तो वो बन जाएगा कि मैं दो घंटे से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स। इस तरह इसका इंटरगेटिव बन जाएगा के हैव आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर। इस तरह उसका नेगेटिव इस तरह बन जाएगा के आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर टू आवर। मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर